ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को भटहट ब्लॉक के ग्राम नयापार बैलो व थाना पिपराई क्षेत्र के पिपरही का निरीक्षण किया और 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन तथा ग्राम बैलो के पूरे गांव को सील किया। 400 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं 700 परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उस परिधि सीमा को सील करते हुए आम जन मानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। एसडीएम सदर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उस परिधि क्षेत्र में जनमानस की रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने के लिए निर्गत समस्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त क्षेत्र की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकानें खोलना अथवा आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। कंटेनमेंट एवं बफर जोन के लिए क्षेत्रीय लेखपालों को इंसिडेंट ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। अभी जब ओपीडी चल रहा था तो हाई ग्रेड शुगर वालों को हम लोग रखते थे। अभी आ रहे हैं? अभी नहीं सर, अभी एक आज जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत। यही है सर, इसी से हम लोग स्प्रे कराते हैं। बस सुबह आज हमने विशेषकर थाना पिपराइच के अंतर्गत आने वाले हॉटस्पॉट जो ब्लॉक भटट और ब्लॉक पिपराइच के अंतर्गत थे, सबसे पहले बैलो में जहाँ पे हमें 4 पॉजिटिव केस मिले हैं बैलो गांव में, वहाँ गए भटट में। तो वहाँ पे हमने क्योंकि एक ही परिवार में 4 पॉजिटिव केस मिलने से तो संक्रमण का खतरा उस गाँव में काफ़ी बना हुआ है। तो आज हमने निरीक्षण किया गांव में, घूम घूम के लोगों को बताया कि आपको नहीं निकलना है क्योंकि 4 केस निकल चुके हैं तो गांव में संक्रमण का खतरा काफ़ी भयानक है, खतरनाक है। तो सभी आवश्यक दिशा निर्देश जो सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं वो दिए गए और उनको बताया गया कि अभी कृषि कार्य को जो बहुत ही आवश्यक है उसके लिए ही आप घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क वगैरह ढक के रहें। तो वहाँ के प्रधान थे, वहाँ के लोकल उनको लेके, गाँव के लोगों को लेके उन सबके साथ हमने विजिट किया। इसके साथ पिपरही उसके बगल की गाँव था, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव केस निकला है, वहाँ पर भी हम गए थे। इसके अलावा नैयापार खुर्द वहाँ पर भी आज 2 केस मिले हैं, कल 2 केस मिले थे, वहाँ पे भी सैंपल कराया था। नैया पार को तो पिखर भंडा पोखर भंडा 2 गांव थे, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी हमने गांव गांव घूम के लोगों को इसके बारे में बताया। इसके साथ साथ भटट में सीएससी में आज हमारी एक मीटिंग थी, सभी आशा ANM उनको बुलाया था, MOIC थे, उनके द्वारा फिर मीटिंग में हमने बताया आशा ANM बहनों को कि किस तरीके से कोविड के चलते जो आपकी जिम्मेदारी है गाँव में, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं प्रवासी उनके बारे में रिपोर्टिंग करना, तो उसके बारे में बताया क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या सूचनाएं आप लोगों से अपेक्षित हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आशा ANM और आंगनवाड़ी बहनें अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत उनको है, गाँव में रहती हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है किसी को किसी प्रकार का लक्षण होता है सबसे पहले सूचना उन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है, तो वो सूचना हमें दें तुरंत ताकि इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। तो 5 गाँव में आज हम गए थे पिपराइच में, जो कि 6 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो इसी संदर्भ में उसके बाद फिर एक बात कहना चाहूँगा, मियाँ बाज़ार जो हमारा हॉटस्पॉट था, हॉटस्पॉट बेसिकली इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो बहराइच का जो सिपाही थे वो मियाँ बाज़ार से ही गए थे, वो पॉजिटिव मिले थे, तो इसलिए एहतियातन तौर पर हमने मियाँ बाज़ार के उस घर को सील कर दिया था। आज सारे 4 उनके जो पेरेंट्स थे उन सबके टेस्ट नेगेटिव आए हैं और टेस्ट नेगेटिव आने से फिर हमने उस को खोल दिया है और मियाँ बाज़ार से वो जो प्रतिबंध थे वो हट गए हैं। एक दूसरी थाना कैंट में अभी सूचना आई है कि आदर्श नगर जगह है, वहाँ पे एक पॉजिटिव व्यक्ति मिला है, तो हमारी टीम गई हुई है और उसको भी हमने हॉटस्पॉट घोषित करते हुए वहाँ पे भी हम कर रहे हैं।